दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की एक और अनरिलीज्ड मूवी के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है ब्लैक कैट कमांडो। और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद थे मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, मनीषा कोइराला और दीप्ति भटनागर। तो दोस्तों, ये बात है साल 1994 की, जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था। और बात करें इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की, तो ब्लैक कैट कमांडो फिल्म की बुनियाद साल 1988 में रिलीज हुई मिथुन चक्रवर्ती की सुपरहिट फिल्म कमांडो से इंस्पायर होकर रखी गई थी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल आर्मी कमांडोज का किरदार निभाने वाले थे। और नो डाउट इन मास एक्शन हीरोज को एक साथ देखना बेहद दिलचस्प होने वाला था। खास तौर पे डायलॉग बाजी और एक्शन के मामले में तो ये पेयर टॉप नॉच होने वाला था, जो 90s जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन एरा में बॉलीवुड इंडस्ट्री के बिगेस्ट एक्शन आइकॉन्स यानी मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल को पहली दफा एक साथ लाने वाली थी। और देखा जाए तो ब्लैक कैट कमांडो एक एक्शन एडवेंचर फिल्म होने वाली थी। और इसके अलावा फर्दर कास्ट की बात करें, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस फिल्म में हमें काफ़ी अट्रैक्टिव हीरोइंस दिखाई देने वाली थीं, जहां मनीषा कोइराला और दीप्ति भटनागर मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल के साथ काफ़ी हद तक फ्रेश कपल बन के सामने आतीं। और नो डाउट यही सब पॉइंट्स इस फिल्म के कमर्शियल पोटेंशियल को भी बढ़ा रहे थे। मगर अनफॉर्चुनेटली ब्लैक कैट कमांडो फिल्म का आइडिया अनाउंसमेंट के बाद शूटिंग स्टेज पे ही नहीं पहुंच पाया, और एग्जीक्यूशन से पहले ही इस फिल्म को किसी अननोन रीज़न की वजह से बंद कर दिया गया। और इस तरह से मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल का कॉम्बिनेशन सिनेमा फैंस के लिए एक सपना बन के रह गया। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल की ये ब्लैक कैट कमांडो मूवी अगर उस टाइम पे बन के रिलीज हो जाती तो बॉक्स ऑफिस पे हिट होती, सुपरहिट होती या फिर ब्लॉकबस्टर? हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा।